हमने ये भी हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कवर किया, मैंने आपको दो तरीके बता दिए थे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के। अगर आपको चेंज इन रेट का इफेक्ट पता और कंसंट्रेशन का इफेक्ट पता तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑर्डर। और यदि आपको उसमें उसने दे दिया है कि सपोज करिए यूनिट ऑफ द के मतलब रेट कॉन्स्टेंट के, अगर आपको यूनिट पता है देन ऑल्सो यू कैन नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, जनरल सा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ट्वाइस ऑफ N2O5 टेंस टू गिव 4 ऑफ NO2 4 ऑफ NO2 प्लस O2 4 ऑफ NO2 और O2। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसका उसने रेट लव एक्सप्रेशन दिया R ऑफ K N2O5 का पावर 1। आपको मैं निकल के बता दी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, और उसने क्या दिया माइनस डी ऑफ N2O5 बाय dt, उसने दिया हुआ है K1 N2O5 का पावर 1। ओके, नेक्स्ट उसने दिया हुआ माइनस डी ऑफ NO2 अपॉन dt, ये दिया हुआ K2 N2O5। ठीक है, एंड प्लस डी ऑफ O2 बाय dt उसने जो दिया हुआ K3 N2O5 का पावर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो एक बात गौर समझने की बात ये थी, वो समझने की बात क्या थी, जस्ट एक सेकेंड। ओके, समझने की बात क्या थी कि ये देखो, ये जो K1 है और ये K है, ये दोनों के अलग अलग है, मतलब ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कैसे, ये जो K रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट के स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिफरेंस समझिएगा कि K1 K2 K3 उसने किस रिस्पेक्ट में दिया हुआ, या रेट कांस्टेंट उसने किस रिस्पेक्ट में दिया हुआ। आप ऐसा बोलते हो यहाँ पे जो K रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसने जो ये रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का लिखा, किसका लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन का, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे जो हमने रेट लिखा है, आपको पता है वो माइनस डी ऑफ N2O5 बाय dt को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 या रेट ऑफ N2O5। तो उसका जो उसके रिस्पेक्ट में जो रेट का एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भी एक तरीके का आर ही है, बट ये आर किसके रिस्पेक्ट में, इट इज विद रिस्पेक्ट टू N2O5, तो ये भी एक रेट का एक्सप्रेशन मिल, R को बराबर क्या लिख सकता हूँ, K ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग का पावर ऑर्डर। तो यहाँ पे जो K1 आएगा वो K1 किसका होगा, ये K1 होगा N2O5 का K1 होगा, सॉरी N2O5, ये K2 होगा विद रिस्पेक्ट टू NO2 का होगा, ये K3 किसका होगा विद रिस्पेक्ट टू O2 का होगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये फर्क समझिएगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या बोला, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 और K3। K1, K2 और K3 के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिख सकता हूं, माइनस 1/2 डी ऑफ N2O5 बाय dt इज इक्वल टू 1/4 डी ऑफ NO2 बाय dt, और यह मैं इसको लिख सकता हूं डी ऑफ O2 बाय dt, क्योंकि ये प्लस है तो इसमें कोई वो दोराई की बात नहीं। ठीक है, अब क्या N2 इस रेट को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो K ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस डी ऑफ N2O5 का उसने क्या वैल्यू दिया हुआ, K1 N2O5 1/4 डी ऑफ NO2 बाय dt का क्या दिया हुआ, K2 N2O5, या आप इसको बोल सकते हैं K3 N2O5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो K बराबर क्या हो जाएगा, K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। ये देखो
आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बट बिल्ली में बच्चा थोड़े दिन बाद इसमें कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि सर ये ऐसे किया कैसे आपने, ठीक है, ये किया कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अगर इन जनरल स्टेटमेंट की बात करूं मैं, इन जनरल कि किसी भी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का, याद रखिएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या रिलेशन होता है, कुछ नहीं। अगर मैं रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज को उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देता हूं, वो किसके बराबर मैं कर सकता हूं, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के। आई बात समझ में? तो मैं लिख सकता हूं, इन जनरल मैं लिख देता हूं कि रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, इन जनरल। मान लो कोई ये रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी टेंस टू सी सी प्लस डी डी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आया। तो इसका रेट कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ए का कांस्टेंट होगा तो के ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए, रेट कांस्टेंट ऑफ बी को मैं मान लेता हूं के बी बाय बी इज इक्वल टू के सी बाय सी इज इक्वल टू के डी बाय डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को याद रखिएगा बेटा। आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने क्या बोला, अगर पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज का आप रेट ऑफ रिएक्शन से जैसे आप इक्वेट कर सकते हो, उसी तरीके से मैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट भी नहीं बोल सकता, आप स्पीसीज बोले, पर्टिकुलर स्पीसीज के रेट कांस्टेंट को भी आप रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हो, इक्वेट करो। बस बात वही है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे याद करिए, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज डिफाइन करने के लिए रेट कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है, उसी तरीके से याद रखिए, रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज बताने के लिए मुझे रेट कांस्टेंट केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बात बोलूं कि रेट कांस्टेंट ऑफ अगर उन पर्टिकुलर स्पीसीज का और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का आपको डिफाइन, दोनों को इक्वेट करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? तो मैं एक बात ऐसा बोल सकता हूं क्या कि रेट, अब देखो मैं ये इधर चला जाएगा तो रेट ऑफ और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या लिख सकता हूं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों का मीनिंग एक ही है। आई बात समझ में सबको? ठीक है, चलो यहां तक हमारा चीजें खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों में घूमता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। नीट वाले सेकंड ऑर्डर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप खाली उनका सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट जेई एडवांस वालों के लिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मुझे ये रिएक्शन दिया हुआ ए टेंस टू बी, मैं ये मान रहा हूँ कि मुझे पता है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे पता है ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो सपोज करो टी इक्वल टू जीरो पे ये ए नॉट कंसंट्रेशन था और टी यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, टी इक्वल टू टी एज इट इज, मैंने आपको बोला ये दो स्टेप आपको हमेशा रखने ए नॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे कितना बना एक्स, क्या ए नॉट माइनस एक्स को मैं ए टी भी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी टी भी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। तो यहाँ तक आपको समझ में, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो के ए का कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा जीरो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, तो आर इक्वल टू के, ये आपका क्या हुआ इसमें पहला फॉर्मूला हुआ। ये जो फॉर्मूले मैं डिराइव करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इनको समझिएगा और बहुत अच्छे से इनको बाय हार्ट करिएगा, और कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं तो हमेशा ये बोलूंगा फॉर्मूले रटने की वजह आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और जहां फॉर्मूला रटना है मतलब वहां रटना है, वहां पे कोई मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम इन डेरिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक बार चीजें समझ जाइए, अटेम्प्ट करने की मतलब कैसे लॉजिक में लगा रहा हूँ वही लॉजिक आपको न्यूमेरिकल में भी लगाना है, ठीक है, चलो ठीक है। R इक्वल टू के मेरा पहला फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब ये वो सिंपल सी बात है, अगर क्योंकि देखो
आपको पता है जब रिएक्शन होता है ठीक है, इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है, बट समय के अनुसार क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाता है, घटते जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्योंकि क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, जनरली मैक्स टू मैक्सिमम केसेस में हम क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को हम हमेशा इक्वेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट से। मैक्सिमम प्रोडक्ट भी आता है, कैटलिस्ट भी आता है, दैट इज डिफरेंट थिंग ठीक है। लेकिन मतलब मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या इंक्लूड करता है, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर एन ठीक है। एन मेरा डिसाइड करता है कि आखिर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिपेंड करता है ठीक है। बात यहाँ पे है कि क्योंकि कंसंट्रेशन घटते जाता है वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा मेरा ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें क्या कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा है रेट में, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ही नहीं। पहली बात आपका जीरो ऑर्डर में पहली बात हम क्या सीखते हैं कि कभी भी रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही क्योंकि देखो जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे तो दो पहले ये भी बात है कि भैया जैसे जैसे समय के अनुसार घटेगा वो तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये टाइम पे तो खैर नहीं बोल सकते, हाँ ऐसा बोल सकते हो कि समय के अनुसार विद द चेंजेस ऑफ टाइम रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि डिपेंडिंग क्योंकि जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे तो कंसंट्रेशन घटे या बढ़े सो कोई मतलब ही नहीं है, ये अपना एज इट इज पर्टिकुलर टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है, वेरी गुड। अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ तो मैं लिख देता हूं रेस होज रेट रिएक्शन होज रेट does not reaction whose rate does not depend upon concentration and time। देखो time के साथ भी depend नहीं करेगा क्योंकि जब concentration पे depend नहीं करेगा तो समय के अनुसार भी क्या रहेगा, ये constant रहेगा भैया। इनिशियल जो था बाद में भी वही रहेगा, 20 सेकेंड के बाद भी रहेगा, 50 सेकेंड के बाद भी रहेगा, 100 सेकेंड के बाद भी रेट वही रहेगा। मतलब समय के साथ भी ये चेंज नहीं करते, ये इनकी खासियत होती है जीरो ऑर्डर पहचानने की ठीक है। तो एक अपने आप में पहचानने का तरीका हुआ कि मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम एंड थ्रू आउट द रिएक्शन रेट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इज दैट क्लियर, इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन एंड टाइम are known as zero order reaction, are known as zero order reaction ठीक है। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसके सारे डेरिवेशन में करता हूं ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर time t as well as half life and lifetime and lifetime of above reaction। देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझो ठीक है। आपसे क्वेश्चन किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे कि मान लो फलाना एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है तो मैं बोलूंगा भैया 10 equal to 10 seconds पे मान लो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन ये है ठीक है या कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट का ये है तो आप मुझे बताएं कि आखिर आगे 50 सेकंड के बाद या आखिर 100 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा। तो जनरली मैक्सिमम टाइम आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपको दे देगा भैया 10 सेकंड पे कंसंट्रेशन ये था, 50 सेकंड पे कंसंट्रेशन ये था, तो आप मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। या तो ये पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है भैया, पहले इनिशियली 5 मोलर था, बाद में जाके ये हो गया 2.5 मोलर, तो कितना टाइम लगेगा। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा ठीक है। क्योंकि मुझे पता है रेट बराबर को रेट को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या माइनस डीए बाय डीटी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। क्या रेट को मैं माइनस डीए बाय डीटी लिख सकता हूं, पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, और ये क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा।
आपको याद है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। आपको बताया था ना इससे पहले वाले वेरिएशन में, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि या फिर कैसे इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो माइनस डी ए बाय को मैं क्या लिख सकता हूँ, के डी टी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल बोलेगा, ठीक है लिख सकता हूँ। चलो चलो ऐसे नहीं करता, चलो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, माइनस डी ए, क्या a को मैं लिख सकता हूँ a नॉट माइनस x माइनस a नॉट इज इक्वल टू k, लिख सकता हूँ। a नॉट a नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dx by dt क्या हो जाएगा मेरा, k हो जाएगा। तो dx इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, k dt। इसको मैं अगर करूँ, इसको मैं करूँ 0 से लेकर x तक और 0 से लेकर t तक, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k t, ठीक है। ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला, तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एटी बराबर क्या था, ए नॉट माइनस एक्स, तो एटी का फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी। एक बात आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, मतलब ऑब्वियस बात है कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होगा, बट वो लीनियरली ग्राफ फॉलो करेगा, कि y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, ये y इक्वल टू mx है। तो दो बातें हमेशा याद रखना कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो जो होता है रिएक्टेंट का वो लीनियरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लीनियरली अगर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट लीनियरली ही इंक्रीज होता है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, तो प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज होगा फर्स्ट ऑर्डर में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी लीनियरली ही इंक्रीज होगा, और अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट भी एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज करेगा, ये मतलब कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लीनियरली है तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता ये चीज। तो ये बात एकदम ध्यान रखिएगा आप इन सब छोटी छोटी बातों को, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी का फॉर्मूला ये हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम प्रोडक्ट का ये हुआ, ठीक है। चलो उसको भी मैं लिख ही देता हूँ, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो ये मेरे क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी बीटी, बीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और तो क्या मैं बोल सकता हूं बीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt, क्योंकि x बराबर की वैल्यू कितनी आ रही मेरी kt के बराबर आ रही, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, मुझे पता चले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम टी क्या होगा, ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, टीएलटी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं टीएलटी, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज मैं बताता हूँ। आखिर लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मतलब द टाइम एट विच रिएक्शन 100% आपका कंप्लीट हो जाए। आपने जनरली देखा होगा आईफा अवार्ड या फिल्मफेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको दिया जाता है, या तो वो फील्ड छोड़ चुके हैं या तो परलोक सुधार चुके हैं, जनरली क्या होता है जो निपट चुके होते हैं उनको दिया जाता है, या जनरली वो फील्ड इंडस्ट्री से छोड़ चुके हैं, मतलब रिटायरमेंट हो ले चुके हैं, भैया बहुत योगदान दे दिया इन्होंने, तो उन्हीं लोगों को क्या दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो सिंपल सा ये है कि जिस टाइम पे आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, आई रिपीट अगेन, जिस टाइम पे आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया वो आपका लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम ऑफ दैट रिएक्शन हम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं टाइम इन विच 100% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, 100% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पता होगा एट टीएलटी देखो, अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो,
उस रिएक्शन में हो, देखो मैंने आपको बताया था, चलो उसको रफ कर दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a tends to b, तो यहाँ पे a not था तो zero था, a not minus x था और ये x था, इसका तो मतलब ये कि जब at lifetime जब आएगा मतलब रिएक्शन 100% complete हो जाएगा तो at वाला तो पार्ट क्या हो जाएगा मेरा zero, at zero हो गया इसका मतलब, और इसका मतलब आपका रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट में, at जीरो हो चुका है, इसका मतलब a नॉट माइनस kt आपका क्या हो चुका है, ये t अब यहां पे क्या हो जाएगा lt हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहां पे t lt को मैं क्या लिख सकता हूं, t lt को लिख सकता हूं a नॉट बाय k, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आप रिएक्टेंट, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड कर दो रेट कांस्टेंट से तो आपको ये पता चलेगा आखिर आपका कितने टाइम में आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, आई बात समझ में, इसी मेथड से हम पता करते हैं कि आखिर फर्मेंटेशन में कितना टाइम लगेगा अल्कोहल के वगैरह के, तो केमिकल इंजीनियर का क्या, तो इनिशियल का भाई देख लेता कंसंट्रेशन कितना है अल्कोहल का, उसका रेट कांस्टेंट उसको हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइंड होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी वैल्यू पता रहती है, हम क्या करते हैं इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मुझे पता चलेगा आपके भैया आपका 100% फर्मेंटेशन कितने टाइम में लगेगा, तो यहां तक आपको बात समझ में, और एक बात आपको बता, अभी मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल देना भूल गया था मैं, आपको मैंने बताया था कि भैया जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बराबर, कैसे, क्योंकि जनरली जीरो ऑर्डर क्या होता है मेरा फर्मेंटेशन रिएक्शन जो होता है ना एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, वो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब आप ऐसा जब आप दही जमाते हो तो जरूरी थोड़ी ना आप एक कटोरी एक लीटर दूध में आप एक कटोरी दही डालो, ऐसा कुछ आपने इतना सा भी दही डाला तो भी वो फर्मेंट होगा और इतना डाला तो भी फर्मेंट होगा, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, इट टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन, आई बात समझ में, उसको बस थोड़ा गर्म रखना पड़ता था, प्रेशर जीरो हाई प्रेशर लो प्रेशर रखना पड़ता था, अपने आप ये क्या हो जाता मेरा फर्मेंटेशन हो जाता है, तो वही चीज यहाँ पे, दिस इज द लाइफ टाइम, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या आपसे हाफ लाइफ हमेशा पूछता है, हाफ लाइफ टाइम ठीक है, या तो इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं और टी 50% से डिनोट करते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, तो सीधे सिंपल से बात है 100% वाले को लाइफ टाइम बोलते हैं, अगर आपका रिएक्शन 50% कंप्लीट हो उसको लाइफ हाफ लाइफ बोलेंगे, तो मैं बोल देता हूं टाइम इन विच 50% ऑफ रिएक्शन 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं, तो एट टी हाफ में टी हाफ की बात करो तो टी हाफ पे आपका ए टी बराबर क्या होगा ए नॉट बाई टू, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है, अगर ए टी बराबर ए नॉट बाई टू हो जाएगा तो क्या ए नॉट माइनस के टी बराबर टी हाफ जो होगा यहाँ पे ये क्या होगा ए नॉट बाई टू होगा, तो इधर आ जाएगा तो ए नॉट बाई टू बराबर क्या हो जाएगा के टी हाफ, और टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए नॉट बाई टू के, ए नॉट बाई टू के, तो ये आपका कौन सा था सेकेंड फॉर्मूला, ये आपका थर्ड फॉर्मूला, ये आपका फोर्थ फॉर्मूला, ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला, ये आपका सिक्स्थ फॉर्मूला, ये आपको क्या हो जाएगा सिक्स्थ फॉर्मूला, जो ए नॉट बाय टू क्या आपको क्या होगा मतलब ये होगा कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई तो आप चीजें थोड़ी बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बात करूं मैं ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको पता हो जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश करूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या था ए नॉट था, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था ए नॉट था, ये फिर ऐसे समझो ये जीरो है ये हंड्रेड है और ये फिफ्टी है, ठीक है, यहां से यहाँ पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में ए नॉट बाय के टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है ए नॉट बाय के, तो अब सब आता है फर्स्ट 50% में कितना टाइम लगेगा ए नॉट बाय 2k और सेकेंड 50% में भी कितना टाइम लगेगा a नॉट बाय 2k ही लगेगा,
आई बस समझ में, कहने का मतलब क्या है, इनमें क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल परसेंट रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है? इक्वल टाइम पे इक्वल परसेंट। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर की खास प्रॉपर्टी होती है, तो इस बात पे याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला कि आपको भैया फलाने रिएक्शन का 10 मिनट में 10% रिएक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा 40 से 50 में कितना परसेंट रिएक्ट करेगा, 10% ही रिएक्ट करेगा। मैं बोलूं नेक्स्ट 30 मिनट्स में कितना होगा, 30% रिएक्ट करेगा। मैंने बोला नेक्स्ट 60 मिनट्स में कितना होगा, तो 60%। तो इक्वल टाइम में इक्वल परसेंट रिएक्ट करते हैं, इस बात याद रखिएगा, ठीक है। इक्वल टाइम में क्या होंगे, इक्वल परसेंट रिएक्ट करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में? दूसरी बात, अब आप मुझे कि इनिशियली मैंने 0 से 10% जब बोला कि आपका इनिशियली रिएक्शन कंप्लीट हुआ 0 से 10%, और मैंने आपको बोला है कि सपोज करो 90 से 100 मतलब लास्ट का 10%, तो किस में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, 90 से 100 वाले में ज्यादा टाइम लगता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए नहीं होता। जीरो ऑर्डर में ये खासियत होती, क्योंकि देखो ये लीनियरली डिक्रीज करते हैं, इनका फर्क यह होता है। आपको नहीं समझ में आता, आगे मैं आपको समझा दूंगा। इनमें क्या होता है, चाहे 0 से 10% लो या 90 से 100% लो, टाइम दोनों स्लॉट में हमेशा इक्वल होगा, हमेशा। ये जीरो ऑर्डर की अपनी खासियत होती है, आप बोल सकते इट्स अ स्पेशल प्रॉपर्टी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। 0 से 10% जाने में मान लो थोड़ा टाइम कम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन 90 से 100% में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। जब एक्सपोनेंशियली ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, तो आपको याद होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इसलिए अपनी खासियत, जीरो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होता है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो कभी भी 100% रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये हालांकि मैं आपको आगे बताऊंगा, पर बट आपको ओवरऑल एक आइडिया दे रहा था मैं आपको इन चीजों का, आई बात समझ में? तो इनके लिए क्या होता है, हमेशा इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में रिएक्ट करते हैं। यहां तक आपको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, इसका बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसकी बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार जेई में पूछा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल मोल्स आपने कितने लिए, उसमें से मोल्स रिएक्टेड, यही आपका क्या होता था, अल्फा होता था। अल्फा रिएक्ट कितना किया, इनिशियल आपने लिया था ए नॉट, और रिएक्ट कितना किया एक्स, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के टी बाय ए नॉट। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। ये बात समझ में, क्योंकि आपको पता है अल्फा की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करती है, 0 से 1 बिलोंग करती है। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करती है, 0 से 1 बिलोंग करती है। ये बात समझ में, तो इन सब चीजों को क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ग्राफ्स रिलेटेड टू 0 ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बताऊंगा मैं, कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, ग्राफ आपका 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 ग्राफ है ये, और 6 के 6 ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला जो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, दूसरा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, ठीक है। थर्ड ग्राफ आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ है।
कंसंट्रेशन ऑफ इक्वेशन आपका पता है तो सारी चीज आप सॉल्व करिए। इससे बोला फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर का क्या होगा जल्दी बताइए, आर इज इक्वल टू के मतलब रेट्स कांस्टेंट लाइन आपको डायरेक्ट पैरेलल लाइन कितना टाइम का भी क्या होगा आर इज इक्वल टू के डिपेंड ही नहीं करता ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या है क्योंकि देखो लीनियरली डिक्रीज करेगा फॉर्मूला क्या था ए नॉट at बराबर a नॉट माइनस kt था इज इक्वल टू क्या था a नॉट। अब ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे मतलब आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुका है मतलब t लाइफ टाइम में क्या वैल्यू आती थी a नॉट बाय k राइट a नॉट बाय k वैल्यू आती थी तो ये पॉइंट पे a नॉट बाय k और यहां पे क्या था आपका a नॉट यहां पे क्या था a नॉट टाइम 0 पे a नॉट था टाइम 100% पे आपका कितना हो चुका है ये हो चुका है। बात समझ सबको आया ना ठीक है यही आपको क्या था TLT भी था आपका। चलो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा जीरो से इंक्रीज करेगा x इक्वल टू kt या bt बराबर आप ऐसा लिखो bt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt हो जाएगा ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता था अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था kt बाय a नॉट kt बाय a नॉट तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ जाएगा क्या जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ठीक है। लेकिन ये हाईएस्ट एक यहीं तक जाएगा हाईएस्ट ये यहीं तक जाएगा क्यों अल्फा की वैल्यू हमेशा हाईएस्ट कितनी हो सकती है 1 तो इसके ऊपर ये कभी भी नहीं जा सकता। और यहां पे ये वैल्यू कितनी होगी यहां पे वैल्यू कितनी होगी a नॉट बाय k क्योंकि ये टाइम पे मतलब क्या हो चुका है ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है TLT तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है कि ये पॉइंट तो आपका अल्फा इक्वल टू 1 है बट ये पॉइंट आपका क्या होगा ये पॉइंट होगा आपका लाइफ टाइम मतलब आपका रिएक्शन इस पॉइंट पे क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है इसलिए ये ग्राफ इन्हीं के इसी पॉइंट के बीच में रहेगा लीनियरली। आई बात समझ में सबको इज दैट क्लियर ठीक है। टी हाफ का कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है टी हाफ बराबर होता था मेरा ए नॉट बाय 2k ए नॉट बाय 2k तो ये ग्राफ कैसा रहेगा इस तरीके से रहेगा। आई बात समझ सबको तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है इनके जो आप हमेशा याद रखिएगा ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको इनको याद रखना है हमेशा ठीक है। ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखने हैं इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिए हुए हैं प्लीज एक बार गो थ्रू इट और उनको याद रखिएगा स्पेशली जेई मेंस वाले और नीट वाले तो एकदम उनको रट लीजिएगा जो एग्जांपल दिए हुए ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 HMU ये क्या देगा ट्वाइस ऑफ HCl। HMU का मतलब क्या है आपको याद है प्लैंक्स कांस्टेंट एक क्वांटम का एनर्जी तो आपको याद होगा अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो इनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा फोटोन के इंटेंसिटी पे कि आखिर कितना इंटेंसिटी से फोटोन आ रहा है जितना मतलब इंटेंसिटी से फोटोन आएगा उतने मेरे रिएक्शन क्या होगी फास्ट होगी। तो दैट्स व्हाट इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा कंसंट्रेशन पे ना डिपेंड कर रहे किस पे डिपेंड कर रहा है फोटोन की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा क्या होगा r इक्वल टू k H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0 इंटेंसिटी पर आपको मैंने ऑलरेडी एटम स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया हुआ ठीक है। सेकंड क्या होता है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन ठीक है ये 0 ऑर्डर होता है ये ऑब्वियस सी बात है। थर्ड पॉइंट जो है मेरा वो है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस
डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी कौन सा हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर हमेशा जीरो ऑर्डर होता है, तो ट्वाइस ऑफ एनएस थ्री टेंस टू गिव क्या होगा एन टू प्लस थ्री एच टू, और फोर ऑफ पी एस थ्री, फोर ऑफ पी एस थ्री होगा आपका पी फोर प्लस सिक्स एच टू, पी फोर प्लस सिक्स एच टू, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, देखो ठीक है, ये जो मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हो सकता है आपसे थ्योरेटिकली एडवांस में मल्टीपल मोर देन वाले में क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार इस टाइप के, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आखिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अभी मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो सबसे पहला तो वही है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स इन इक्वल कंप्लीट्स इन सेम टाइम, बेटर ये होगा कि ये लिख पाऊं मैं कंप्लीट्स इन सेम टाइम। जैसे इनिशियली सपोज करो मेरा 100 था कंसंट्रेशन, मैं ये मान रहा हूं 10% कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, तो बचेगा कितना 90, ठीक है। इसके बाद अगेन 10% 10 मिनट में, तो क्या बचेगा 80, अब कितना कंप्लीट होगा, अब कंप्लीट होगा 70, फिर 60 एंड सो ऑन। तो इक्वल परसेंटेज गेट्स कंप्लीट इन इक्वल टाइम, आई बात समझ में, कोई दिक्कत जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इधर ठीक है, दूसरा क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम आर इन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, जैसे सपोज करो t equal to 0 पे a नॉट था, t equal to t पे क्या होगा a नॉट माइनस kt होगा, क्या होगा a नॉट माइनस kt, t equal to 2t पे कितना हो जाएगा a नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ kt हो जाएगा, क्या हो जाएगा a नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ kt। लेट equal to 3t में, तो a नॉट माइनस क्या होगा 3 kt, तो आप देखो कॉमन डिफरेंस kt का ही है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका एक और खासियत क्या होता है कि जो 80 का जो होगा वो 80 जो बचता मेरे हाथ टाइम के बाद वो एपी के फॉर्मेट में ही बचेगा, तो ये भी अपने आप में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनको याद रखें, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्या प्रॉपर्टी होता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहचानने का तरीका डायरेक्ट आपको बताएगा, इस रिएक्शन का हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इसका मतलब क्या हुआ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant, मतलब T half is directly proportional to A naught, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे ये तीन important property पहचानने का तरीका होता है, ठीक है, तो इन चीजों का आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है, द
पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, द पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 20% इन 20 मिनट, 20% इन 20 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट एंड 40% इन 40 मिनट, 40% इन 40 मिनट डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, determine order of reaction, determine order of reaction and rate constant of reaction and rate constant of reaction, determine order of reaction and rate constant of reaction. देखो, देखने से पता चल रहा है कि 20% 20 मिनट में खत्म हो रहा है, तो 40% 40 मिनट में, मतलब इक्वल टाइम पे सेम चीज खत्म हो रही, सेम परसेंट खत्म हो रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट 20% कितने में खत्म होगा, अगले और 20 मिनट जोड़ दो 60 मिनट्स में, मतलब 60% 60 मिनट में खत्म हो जाएगा. तो देखने से तो आपको लग रहा है जीरो ऑर्डर है, और सेटिस्फेक्शन करना है तो चलो देख लेते हैं, ठीक है. लेट इनिशियल कंसंट्रेशन में इतना मान लेता हूं 100 है, जब परसेंटेज में दिया तो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मानो, 100 मानो, ठीक है. t = 20 minutes पे रिएक्शन कितना कंप्लीट हो रहा है, मतलब 20% खत्म हो जा रहा है, मतलब 80 अब कितना बचेगा, 80 बचेगा आपके पास. इसका मतलब a not बराबर 100 minus k, टाइम कितना है मेरा 20 is equal to 80, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी k की वैल्यू 1 आ जाएगी. k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. अगर सेम 40 मिनट्स वाले में भी k की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. तो t equal to 40 पे बात करो तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, कि 40% खत्म हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब इनिशियल 100 कंसंट्रेशन 100 था तो 40% मतलब खत्म हो चुका है, मतलब अब आपके पास 80 बच कितना है, 60 बच रहा है. और अब अगेन देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 20 का, इट मींस इसका मतलब क्या है, 80 है, तो देखने से समझ में आ रहा आपको, ठीक है. ये अलग तरीका था, बट 100 माइनस क्या k into 40 is equal to कितना हो जाएगा 60, तो अगेन k की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है. तो दोनों आपने दोनों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला पुट किया, और दोनों में अगर k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर. इन केस अगर k की वैल्यू सेम नहीं आती है तो आप फर्स्ट ऑर्डर का फिर पुट करके देखिए फार्मूला, तो 100% श्योर देखिए क्या होता है, जब भी आपको एमसीक्यू में जो क्वेश्चन दिया जाएगा या तो वो जीरो ऑर्डर का होगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन इन माय ओपिनियन प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का दीजिए, क्योंकि प्रायोरिटी आप फर्स्ट ऑर्डर को दीजिएगा तो मैक्सिमम 90% क्वेश्चन जो भी जेईई नीट में आते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही आते हैं, जीरो ऑर्डर में रेयरली कोई क्वेश्चन पूछता है. बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ऐसा नहीं है, ग्राफिकली इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है. तो ग्राफ्स वगैरह मैंने तो बहुत अच्छे से ग्राफ्स करने हैं, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ एक तरीके से. तो एक बार फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पुट करके देखिए, दोनों में दोनों टाइम पे अगर के की वैल्यू सेम आ रही है इट मींस फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, तो फिर जीरो ऑर्डर पुट करके देखिएगा, ठीक है. यहां तक सबको समझ में आया, चलो ठीक है. इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कुछ, आपको और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात होती है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना ये अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट टास्क होता है ये फिर, ठीक है. तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 3A tends to product, ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन उसने दिया हुआ है कितना, R इक्वल टू के ए जीरो, मतलब देखने से समझ में आ रहा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. क्या बोला, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी. देखो मैं तो हमेशा यही बोलूंगा, वीडियो पॉज करिए फिर अटेम्प्ट करिए, इससे आप ही के ज्यादा फायदा होगा, डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन देखने से कोई मतलब नहीं है. तो डायरेक्ट 3A टेंस टू प्रोडक्ट दिया हुआ, तो टाइम इक्वल टू 0 पे ये कितना था, a नॉट था मान लेता हूं मैं, ये 0 था. टाइम इक्वल टू t पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा a नॉट माइनस x, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है. a नॉट माइनस x होगा कि जस्ट यहां पे थोड़ा गड़बड़, देखो यहां पे a नॉट माइनस 3x लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इससे पहले मैंने 0 ऑर्डर के जो रिएक्शन लिया था वो 1:1 का रेशियो था, इसलिए a नॉट माइनस x लिया, क्योंकि यहां 3 है तो यहां पे आपको 3 पुट करना पड़ेगा. आई बात समझ में आता है, ठीक है. रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/3 dA by dt is equal to k, ये होता है ऑलरेडी, तो मतलब ये क्या होगा -1/3
डीए को डीएफ डीए ए को कंसंट्रेशन क्या लिख सकता हूं, ए नॉट माइनस 3x माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के, ए नॉट कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो ये और 3 3 क्या हो जाएगा, तो dx बराबर अगेन क्या आएगा dt इज इक्वल टू के, मतलब चाहे रेशियो 2:3 या 4:5 एनी रेशियो फार्मूला यही आएगा, फार्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो x इक्वल टू अगेन मेरा क्या हो जाएगा kt हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा kt, तो kt बराबर क्या हो जाएगा, kt बराबर होगा a नॉट माइनस a नॉट माइनस 3x था तो a नॉट माइनस 3 kt हो जाएगा, याद रखना, तो जो स्टोइकोमेट्रिक होगा वो स्टोइकोमेट्रिक आप यहां पुट कर दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आई बात समझ में, क्योंकि अब देखो यहां पे ka बराबर क्या लिख सकता हूं 3 k, अगर यहां पे सिर्फ उसने ka दिया हुआ मतलब आपको क्या करना 3k खुद से पुट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट को मैं कैसे बराबर कर सकता हूं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन, ये k क्या है मेरा, ये k है मेरा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा क्या लिखूंगा मैं यहां पे, मैं ऐसा लिख सकता हूं a0 माइनस क्या लिख सकता हूं ka इनटू t, तो भी ये गलत नहीं है मेरा, क्या है मेरा ये गलत नहीं है, a नॉट माइनस क्या लिख सकता हूं a नॉट माइनस k t लिख सकता हूं या a नॉट माइनस 3 k t, दोनों आंसर मेरा करेक्ट है, तो ये k रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये k रिप्रेजेंट करेगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, आई बात समझ में, इज दैट क्लियर, चलो ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये एक छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा आपको हमेशा, ठीक है, कहीं इसमें गड़बड़ मत करो, कभी क्वेश्चन चेक करना कि ये, क्योंकि देखो फार्मूला सेम है at बराबर a नॉट माइनस kt दिखने में वैसा, बट वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वो ये k रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट है या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, तो इन बातों छोटी-छोटी बातों का बहुत ध्यान रखिएगा इन सब बातों में, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मच बेटर, चलो क्वेश्चन ये है मेरा, सपोज करो 5a 5/2a टेंस टू प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, सपोज करो मैंने दिया हुआ है और रेट बराबर उसने क्या दिया हुआ है ka नॉट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है मुझे पता है, ठीक है t हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं a नॉट बाय k, तो ठीक है a नॉट मैं अपने आप मान लेता हूं बाय 2k, ठीक है ये 2k दिया हुआ है, अब आई बात समझ, अब यहां पे दो बातें, ये आंसर भी आपका सही है, और अगर मैंने ऐसा दिया कि t हाफ बराबर ऐसा है कि k मान लो इसका दिया हुआ है कि इसका माइनस da बाय dt सपोज करो ऐसा अगर पुट कर दे k ka नहीं ऐसा नहीं सपोज करो चलो ठीक ऐसा मैं ऐसा नहीं मान रहा मैं उसने बोला कि इस हाफ लाइफ को आपको ka के रिप्रेजेंट में करना है तो क्या a नॉट बाय 2k k को क्या लिख सकता हूं ka डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक डिवाइड हो जाएगा तो 5/2 क्या ये हो सकता है हां या ना ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल तो 5 a नॉट बाय k a 5 sorry my mistake तो t हाफ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a नॉट बाय 5 ka तो ये ऊपर चला जाएगा ठीक है sorry my mistake t हाफ को मैं कैसे लिखूंगा a नॉट बाय 2 ka मैं ऐसा लिखूंगा ठीक है अगर दिया हुआ k तो k पहले प्रेफरेंस इसको देना है k को देना ठीक है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a नॉट बाय 2 5 k 5/2 into k दिस और दिस कैंसिल तो a नॉट बाय क्या हो जाएगा मेरा 5k हो जाएगा ये हाफ लाइफ हो जाएगा तो दोनों आंसर मेरा करेक्ट है ठीक है तो यहां पे जब k रिप्रेजेंट करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट को ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और हमारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बात आपको समझ में है t हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं a नॉट बाय
2k a naught by 2k I is that clear ठीक है चल हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं इस if you have doubt then you can ask me ठीक है a naught by 2k लिख सकता हूँ मैं k को लिख सकता हूँ क्या मैं pi by 2k ठीक है चलो ठीक है next question क्या बोल रहा है मेरा a plus 2b tends to product क्या है मेरा tends to product ठीक है r बराबर उसने क्या दिया हुआ है रेट को मतलब रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है a naught और b naught दिया हुआ है ठीक है ओके क्या बोल रहा है यहाँ पे दिया हुआ t equal to zero पे ये a naught है और ये b naught है t equal to t ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a naught minus x दिया हुआ और b naught minus 2x दिया हुआ और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन रहा है x बन रहा है ठीक है प्रोडक्ट मेरा बन रहा है x ठीक है कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है कैलकुलेट concentration of a and b after time t as well as half lifetime of a and Half life time of A and B ठीक है ये दिया हुआ आपको ठीक है आप कैसे कैलकुलेट करोगे कुछ नहीं सपोज करो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को R बराबर माइनस dA by dt माइनस dA by dt is equal to माइनस 1 by 2 dB by dt is equal to ठीक है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसा लिख सकता हूँ अगर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है खत्म हो चुका है मुझे पता है x equal to kt ही आएगा in any condition x equal to क्या आएगा kt आएगा ठीक है और मुझे पता है at बराबर क्या होगा a naught minus kt हो जाएगा bt बराबर क्या हो जाएगा b naught minus 2kt हो जाएगा क्योंकि जो स्टोइकोमेट्री होता है वो वहां पे k पे क्या हो जाता है k की जगह पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी ठीक है तो ये तो बात समझ में आए at बराबर क्या हो जाएगा अगेन a नॉट माइनस kt हो जाएगा bt बराबर b नॉट माइनस kt आप चेक पुट करके देख लो यही आएगा x इक्वल टू kt है ये मैं आपको 100% बोला था चाहे स्टोइकोमेट्रिक कोई भी हो फार्मूला प्रोडक्ट का हमेशा x इक्वल टू kt dx by dt ही रहेगा dx by dt रहेगा उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता ठीक है यहां तक आपको चीज समझ में आए अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ की इसकी हाफ लाइफ की बात करूं तो a नॉट बाय क्या हो जाएगा 2k और ये क्या हो जाएगा इसका हाफ लाइफ क्या हो जाएगा b0 by अब बताओ मैंने यहाँ पे 2k लिखा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा b0 by जल्दी बोलो दैट वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे आपको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को लेना तो b0 by 2k और k को क्या लिख सकता हूँ मैं 2kb सॉरी ये 2ka हो जाएगा अगर नहीं है तो ऐसे ही लिखो या 2 into 2kb लिख सकता हूँ तो b0 by 4k क्योंकि रिएक्शन रिएक्टेंट का जो होता है वो किसके बराबर होता है स्टोइकोमेट्री इनटू के ऑफ रिएक्शन होता है याद है तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया अगर देखो अगर आपका 2k के फॉर्मेट में तो भी आपका आंसर गलत नहीं है और 4k के फॉर्मेट में तो भी आपका आंसर गलत नहीं है मैंने एक सफिशिएंटली आपको समझाने की कोशिश की है आई बात समझ में हालांकि ये ka और kb आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये चीज k और kb आपको क्या करना पड़ेगा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अगर दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है a नॉट बाय 2k b नॉट बाय 2k आंसर खत्म हो चुका है ठीक है यहां पे भी आप क्या कर सकते हो यहां पे भी आप हां सॉरी माय मिस्टेक यहां पे आपको a लिखना रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ठीक है यहां पे a रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये k सॉरी ये हां k था ये k था हां ये एज इट इज ये k था ये भी k था तो एज इट इज इसको ऐसे रहने दो और क्योंकि सॉरी माय मिस्टेक एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं ठीक है a नॉट बाय 5 की यहां तक समझ में क्योंकि यह a नॉट बाय क्या हुआ 2k अगर दिया हुआ है रिएक्टेंट का तो ही रिप्रेजेंट करना नहीं तो a बाय अगर आप अपने आप रिएक्टेंट रिएक्शन का भी रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्टली दिया हुआ है तो रिप्रेजेंट करिए नहीं दिया हुआ तो a नॉट बाय 2k चलने दीजिए क्योंकि अगर दिया हुआ है तो k को मैं क्या लिख सकता हूं k को मैं लिख सकता हूं ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू k स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 है तो ये k बराबर k के बराबर है तो यहां पे a आ जाएगा तो अगर यहां पे k बराबर क्या हो जाएगा kb बराबर क्या होगा 2kb को क्या लिख सकता हूं 2k तो b0 by 4k हो जाएगा
वही जो रिलेशन मैंने दिया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो वही चीज यहां पे भी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देखो दोनों आंसर करेक्ट है, ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत है, आंसर दोनों सही है, पर दैट डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या दिया। मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको, दोनों तरीके आपको मैंने सिखा दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग आती है हमारी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मुझे लग रहा फिर से कंफ्यूज हो रहा है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा कि गड़बड़ा हुआ बच्चे। देखो a नॉट बाई टू के ए लिखो, a नॉट बाई टू के लिखो, तो दैट डिपेंड कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया। अगर उसने टू के दी, अगर सिर्फ उसने रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है तो सिर्फ k लिखोगे, अगर रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ और दोनों वैल्यू दिए तो इन माई ओपिनियन केस जो क्वेश्चन में दिया जो एमसीक्यू दिया उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे पहला प्रेफरेंस के ए को देना, ठीक है, अगर दिया नहीं दिया हुआ तो रेट कांस्टेंट को ही लिखना। फिर से रिपीट करो, पहला प्रेफरेंस रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट को देना, नहीं दिया हुआ तो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को लिखना। यहाँ पे आई बात समझ में क्लियर अच्छे से? ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो अब क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी का पार्ट। ठीक है, व्हाट शुड बी, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन ए नॉट एंड बी नॉट, ऑन ए नॉट एंड बी नॉट, ऑन ए नॉट एंड बी नॉट, सच दैट हाफ लाइफ ऑफ ए, हाफ लाइफ ऑफ A and B are equal. ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए ताकि हाफ लाइफ ऑफ ए और बी इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मुझे पता है ए नॉट बाय क्या हो जाएगा 2k और ये क्या हो जाएगा बी नॉट बाय 4k। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या होना चाहिए, देखो ये अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो ए नॉट बराबर क्या होना चाहिए बी नॉट बाय 2k प्रेजेंस में होना चाहिए। तो b को क्या लिख सकता हूँ, b बराबर लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ a नॉट, b नॉट को क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ a नॉट लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a नॉट बाय b नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा a नॉट बाय b नॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक अगर किसी रिएक्शन में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर है, इट मींस उनके हाफ लाइफ हमेशा इक्वल होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझा देता हूँ, नोट बना के पॉइंट में लिख भी देता हूँ। ठीक है, पहला क्या, हाफ लाइफ टर्म ऑफ इस रिएक्टेंट विल बी इक्वल ओनली व्हेन दे आर इन हाफ लाइफ, पहला क्या हाफ लाइफ टाइम ऑफ ईच reactant will be equal only when they are in their stoichiometric ratio। किसी भी रिएक्टेंट का, अगर हर रिएक्टेंट का हाफ लाइफ टाइम आपको इक्वल करना है तो आपको उनका कंसंट्रेशन उनके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बराबर रखना होगा, तो उनका हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। बट ये जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंडीशन वैलिड नहीं होता है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन डिफाइंड ओनली व्हेन हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन डिफाइंड only when all the reactants are in, all the reactants are in their stoichiometric ratio। अगर सारे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, मतलब अगर सारे रिएक्टेंट अपने स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है तभी
हाफ लाइफ उनकी क्या हो सकती है डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज योर मेजर कॉन्सेप्ट आज के लिए जीरो टर्म के लिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पर अगर आपको गड़बड़ है, तो कल नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ताकि आपकी चीजें और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।